Hello. Hello, children. How are you? I hope you are well at home. I am Mrs. Manjit Kaur, your English teacher, is going to teach you chapter 2. I am from MB International School. Chapter 2, take out your book, Active English 4 course book. That is page number 20. An unusual solution. Unusual solution ka matlab ye hota hai, which has no meaning. अम्मी कॉल आउट टू शेक चिली टू गो एंड गेट हर 8 अनास. अम्मी कौन है? एक शेक की मदर है. शेक की मदर के लिए कहा गया अम्मी. शेक इज अ बॉय हु इज लाइक लिटिल बिट केयरलेस. अम्मी कॉल आउट टू शेक चिली टू गो एंड गेट हर 8 अनास वर्थ ऑफ मस्टर्ड ऑयल. अम्मी की मदर ने कहा 8 अनास का मस्टर्ड ऑयल लेके आना. She handed him a tumbler. उन्होंने टम्बलर दिया. टम्बलर बच्चों आप जानते हो चिल्ड्रन कि वो ग्लास टाइप जैसे होता है. उसके फोटो में भी दे रखा है, आप अपने बुक देखना. And 8 आनास कॉइन. और उन्हें 8 आना कॉइन्स दिया. 8 आना कॉइन्स कब चलते थे? जब पहले के टाइम. A unit of money used in a long time ago. पहले के टाइम में आनास चलते थे. ओके. She warned Sheik Chilli to be careful and Not to start daydreaming again. उन्होंने उसे वार्निंग करा कि जब आप रस्ते में चलोगे daydreaming मतलब जैसे जो काम किया उसी काम के लिए carefully जाना. इधर उधर मस्तियां करते करते मतलब मत जाना. ठीक है. daydreaming का बता दिया मैंने आपको. thinking of pleasant things and not paying attention to something. बहुत सारी चीजें सोचते रहना और मतलब जो बोला गया उस पर ध्यान नहीं देना. ओके. Then he ran all the way to the market. फिर वो मार्केट में भागा. He would have wandered along. बहुत हैरान हुआ वहां. Wandered means roamed around. घूमना मार्केट में इधर उधर भटकना. Okay. But अम्मी had told him to hurry and so he did. उसकी मम्मी ने कहा था जल्दी आना. So उसने वो उनका कहना माना. On reaching the grocer. Grocer means like आपको किराने की दुकाने में जैसे उसमें खाने पीने का सामान मिलता है, तेल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें. चलो यू ऑल नो दैट. आपकी मम्मी वगैरह भी आप बेचती हैं सामान लाने के लिए. द ग्रोसर्स शॉप. ओके. ग्रोसर शॉप मीन्स जाके जहाँ पे खाने पीने का सामान हर तरह का मिलता है. ही आस्क्ड लाला तेलीराम टू मेजर आउट 8 अनास वर्थ ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन टू द टम्बलर. उन्हें वो जो शॉपकीपर था उनका नाम था लाला तेलीराम. ही आस्क्ड हिम टू मेजर 8 अनास मस्टर्ड ऑयल इन द टम्बलर. हिज मदर हैड गिवन हिम. जो उसकी मम्मी ने उन्हें 8 अनास दिए. लाला तेलीराम मेजर्ड आउट द रिक्वायर्ड ऑयल फ्रॉम अ लार्ज टिन. लाला जो तेलीराम थे वो अपना मेजर कर रहे थे जो उनका रिक्वायर्ड तेल था अपने बड़े टिन से. एंड बिगेन पोरिंग इट इन टू द टम्बलर. पोरिंग में डालते गए किसमें? उसके टम्बलर में. शेक वॉज इन अ फिक्स. फिक्स का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन. वो डिफिकल्ट सिचुएशन इसलिए क्योंकि द टम्बलर वॉज नॉट कंटेनिंग ऑफ 8 अनास ऑयल. इट वॉज अ स्मॉल देन दैट इट वुड कुड कंटेन ओनली 7 अनास. ठीक है. 7 अनास का ही तेल आता था आना था उसमें. 8 अनास का नहीं आना था. वेन लालाजी टोल्ड हिम दैट द टम्बलर कुड होल्ड 7 अनास. अब देखो वो आ गया ना 7 अनास. जैसे मैंने बताया कि मतलब 7 अनास का तेल इसमें आएगा. टम्बलर इस साइज का है, इससे ज्यादा नहीं आएगा. He did not want to disobey. उनको अपनी मम्मी का कहना जो मतलब टालना नहीं था. अम्मी और शी वुड बी क्रॉस. क्रॉस का मतलब एंग्री. मम्मी भी गुस्से हो जाएंगे. Then he had brainwave. Brainwave का मतलब सडन क्लियर आइडिया. फिर उसके दिमाग में एक सडन क्लियर आइडिया है. कैसा आया? लेट्स सी. देयर वॉज अ होलो स्पेस. होलो मीन्स एम्प्टी स्पेस. एक तरफ उसके पास जो टम्बलर था उसमें थोड़ी कुछ खाली जगह थी. साइड में कुछ जैसे कोई हैंडल वैंडल टाइप होगा उसमें थोड़ी सी खाली सी जगह थी. आउट टू बॉटम ऑफ द टम्बलर. बॉटम मीन्स नीचे की तरफ. नाउ लुक इन टू पेज नंबर 21. एक्सक्यूज मी. शेक हैप्पीली टर्न द टम्बलर. अब उसने शेक ने खुशी खुशी उसको टम्बलर को टर्न किया. फुल ऑफ ऑयल आउटसाइड डाउन. बाहर उसने टर्न किया. कहा? नीचे गिर गया सब. ही देन आस्क्ड लाला जी लाला तेलीराम टू पोर द रेस्ट. उन्हें क्या करा? उसको
उल्टा कर दिया और बोला ये स्पेस है इसमें बाकी का डाल दो एंड पोर द रेस्ट ऑफ द ऑयल इन टू द होलो स्पेस. अब ये होलो स्पेस बची है इसमें आप बाकी का तेल डाल दो. यस नो मैन लाइक कॉमन सेंस इफ आई पुट इट डाउन होलो मतलब उसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा ऑयल विल बी फॉलन डाउन. लाला जी शोक हिज हेड इन डिसबिलीफ. डिसबिलीफ का मतलब है शॉक एंड सरप्राइज. उन्हें शॉक हुआ और सरप्राइज में हैरान हुए कि कैसा लड़का है. देखो मैंने बोला इसमें 7 आनर्स का आएगा तो 8 आनर्स मतलब 8 आनर्स का नहीं आएगा. तो इसने बोला देयर इज अ होलो स्पेस इन द बॉटम सो ही जस्ट पुट इट द टम्बलर लाइक दैट. द ऑयल फेल डाउन ऑयल जो नीचे गिर गया. शेक हेल्ड द टम्बलर केयरफुली एंड हरिड होम. उत्तर से जो बॉटम वाला जो ऑयल उस पर डलवाया था फटाफट गया और घर में भागा. अम्मी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स व्हेन शेक अराइव्ड. अम्मी उनकी मम्मी कपड़े धो रही थी जब शेक पहुंचा. शी वॉज शॉक्ड एट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द टम्बलर. उनकी मम्मी देख के वो ऑयल को शॉक हुई कि इसमें इतना सा ऑयल. शेक टर्न द टम्बलर द राइट वे अप टू शो हर द रेस्ट ऑफ द मस्टर्ड ऑयल. उनकी शेख ने अपना टम्बलर को सीधा करा को दिखाने के लिए कि बाकी का तेल इसमें. अम्मी कुड नॉट बिलीव हाउ फूलिश शेख हैड बीन. मम्मी ऐसे सोच नहीं सकती कि कितना फूलिश है मेरा बेटा कि मतलब जब उसमें इतना सा स्पेस है. स्पेस का है बॉटम है. बॉटम कब है जैसे अपन टम्बलर को उल्टा ऐसे करेंगे ऑब्वियसली तेल तो नीचे गिरेगा. सो चिल्ड्रन यू शुड हैव कॉमन सेंस लाइक you should have told the shopkeeper get me the remaining remaining oil in the another tumbler. Okay, that's all. This is Anupa Lal retelling writer's name. This chapter is completed. If you have any problem, I'll read out the word meanings also. Ana. Ana means a unit of money used a long time ago. Ana jo tha pehle ke zamane mein use hua karta tha. टम्बलर अ ड्रिंकिंग ग्लास. टम्बलर किसे बोलते हैं ड्रिंकिंग ग्लास को. डे ड्रीमिंग थिंकिंग ऑफ प्लेजेंट थिंग्स. डे ड्रीमिंग मतलब बहुत सारी चीजों को दिन में सोचना प्लेजेंट थिंग्स अच्छी अच्छी चीजें. एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू समथिंग और अटेंशन ही पे करना जो उन्हें काम दिया गया. वॉन्डर रोम्ड अराउंड मतलब चारों तरफ घूमना. ग्रॉसर अ पर्सन हु सेल्स फूड एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स. जो ग्रॉसर किसे बोलते हैं जो छोटी मोटी खाने पीने की चीजों को सोल करते हैं मतलब सेल करते हैं. ओके. फिक्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन. डिसओबे रिफ्यूज टू डू व्हाट समबडी हैज आस्क्ड यू टू डू. डिसओबे का मतलब जिस कोई काम के और आप उसको मना कर दो रिफ्यूज टू डू. क्रॉस मीन्स एंग्री. ब्रेन वेव आई टोल्ड यू अ सडन क्लेवर आइडिया. ब्रेन वेव मीन्स कुछ सडनली एक आपको आइडिया आ जाए. Hollow, empty space. Hollow means empty space, खाली जगह. Children, I hope you all of you understood the lesson. Please read this lesson carefully and the question answer that is given to you through PDF, word meanings, very carefully. Okay, thank you and have a good day.